हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दुर्गा सिंह। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले हाय हेलो राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एज अ फ्रीलांसर आप किन किन स्किल्स को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पिछली वीडियो में हमने किसी भी वेबसाइट के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप उन स्किल्स को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। वेबसाइट के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल्स देख के। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट का नाम है fiverr.com। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करें fiverr.com से। तो आज मैं आपको बताऊंगा यहां पे साइनअप कैसे करना है, आपको अपना अकाउंट बनाना कैसे है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि हम फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो लेट्स प्रारंभ। अब ये लिख के भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है, इसका जो होम पेज है वो ऐसा दिखेगा। और अब हम यहाँ पे इस पे जो बिकम अ सेलर लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके राइट साइड में जहाँ लिखा हुआ है व्हाट्स योर स्किल बिकम अ सेलर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसे ज्वाइन होने के लिए, साइनअप करने के लिए, या तो आप फेसबुक पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आपका जो गूगल अकाउंट है वहाँ से, या फिर कोई एप्पल आईडी है वहाँ से। तो हम करेंगे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के, ये हमने ईमेल आईडी डाल दी और इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब हमने कोई यूज़र नेम डालना है जो कि यूनिक हो, तो हम डाल देते हैं अरुण ठाकुर 31। तो ये सेव हो गया। और हमने यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, 8 करेक्टर होने चाहिए। इसमें नहीं पाया, अल्फा न्यूमेरिक आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे फाइवर की वेबसाइट पे। इसको हम कर देते हैं क्लिक, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये प्रोफाइल पे आएंगे, तो प्रोफाइल हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा बन चुकी है आईडी ये। अब हम इसका जो सेटअप है वो पूरा करेंगे। तो हम फिर से अपने ये प्रोफाइल वाले जो ये लोगों से दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे क्लिक करना है बिकम अ सेलर पे। अब बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो फुल नेम जैसे कि मैं अरुण ठाकुर डाल देता हूँ, क्योंकि दुर्गा सिंह के नाम से मेरी ऑलरेडी बनी हुई है और मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर डाल देते हैं, तो यहाँ पे शो ऑल फाइल्स, और आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी अच्छी सी इमेज हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हमने अपने बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि हेलो एवरीवन, जी हेलो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक हेलो एवरीवन, आई एम अ फ्रीलांसर फ्रॉम, तो मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो मैं उसी को कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से, आप इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर अपना कुछ अट्रैक्टिव सा लिख सकते हैं। इसको देख के आपके बारे में पता चलेगा, जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के, जो एक हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है ये देख के उसको पता चल जाएगा, और मे बी इस वजह से आपको काम जल्दी मिल जाए। यहाँ पे लिख देंगे काइंड रिगार्ड्स, नीचे आप डाल देंगे अरुण ठाकुर। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट करनी, जैसे कि इंग्लिश है, इसको बेसिक आती बेसिक लिख सकते हैं, फ्लुएंट आती फ्लुएंट लिख सकते हैं। और इसके बाद आपने और ऐड करनी है तो आप और ऐड कर दे सकते हैं, जैसे हिंदी, हिंदी तो सभी को आती है, ठीक है, इसको हम नेटिव लैंग्वेज डाल देते हैं।
और अगर आप इसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती है, आप जितनी भी लैंग्वेज डालेंगे तो आप जितनी भी लैंग्वेज डालेंगे उसके हिसाब से आप जितनी लैंग्वेज डालेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद आपको प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो हम यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही शुरू करेंगे क्योंकि हम उसी के ऊपर ये बना रहे हैं। अगर आपके पास और भी कोई स्किल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके अलावा जो भी आपके पास स्किल है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बनाऊँगा तो कि बैनर ऐड हो गया और लोगो डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद इसके बाद बिजनेस कार्ड्स हो गए और सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया, ये इनविटेशन कार्ड हो गए, ये सारे आप ऐसे डाल सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ 5 ही सिलेक्ट करने, तो हमारे 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पे हमने स्किल्स डालनी है, तो स्किल हम डालेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर डाल दिया। अब इसमें यहाँ पे हमने लेवल देना है कि हम एक्सपर्ट हैं या फिर बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट, मतलब कि थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता। और हम एक चीज़ भूल गए, हमने यहाँ पे ईयर डालने, जैसे कि हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है, 8 ईयर का मैंने लिखा था, तो हम यहाँ पे 2013 टू 2021 कर देते हैं, ये एक्सपर्ट लिख देते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसके बाद एजुकेशन डाल सकते हैं आप, यहाँ पे पहले कंट्री डालेंगे हम इंडिया, और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, और आपने क्या किया हुआ है वो आप डाल सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कौन से ईयर में किया हुआ है 15, इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट है तो ठीक है, अगर कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे अभी ये गूगल का अकाउंट इसको कर रहा हूँ, ये हमारा गूगल का हो गया। अब इसको फेसबुक पे भी हम क्लिक कर देते हैं, गूगल हमारा कनेक्ट हो गया, फेसबुक को कनेक्ट करेंगे हम, यहाँ से हमने फेसबुक भी कनेक्ट कर दिया। ऐसे आप ये ट्विटर वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, ये दोनों हमें वेरीफाई करने होते हैं। हमने अपनी ईमेल आईडी तो पहले से ही वेरीफाई कर दी थी जब हमने इसको ओपन किया था, और अब हमें मोबाइल नंबर करना है। यहाँ पे हम कंट्री डालेंगे, हमें अब अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल, जैसे भी आपको सही लगे। आपको एक कोड आएगा, आपको वो कोड डालना है इसमें, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है, ताकि अगर कल को आप भूल जाते हैं इसका पासवर्ड वगैरह, तो आप इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप उसको ओपन कर सकें। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, 4 5 होते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके उसका आंसर डालना होता है। तो मैं डाल देता हूँ मैं डाल देता हूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। तो मेरा जो बचपन में नाम था वो अरुण ही था, जो निक नेम है, तो इसको हम फिनिश करके ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन ओके हो गई है। अब यहाँ से हम इसको फिनिश करेंगे और फिर से फिनिश करेंगे। तो ये हमारी जो वेबसाइट, ये हमारी जो प्रोफाइल था, साइनअप था, ये हो चुका है। अब यहाँ पे गिग क्या होता है, गिग टाइटल कैसे डालने हैं, कैटेगरी गिग जो टैग्स है वो कैसे सर्च करने हैं, उसके बाद काम कैसे मिलेगा, प्राइस कैसे डालने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, तो वो सारी बहुत लेंथी चीज़ हो जाती है। वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज आपका ये जो साइनअप हो गया है, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया है, और कल वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि
कि इसके बाद आपको बाकी सारी चीजें कैसे तो करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो अब तक आपका अकाउंट बन चुका होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आगे की चीज़ें आज इसलिए नहीं बताई क्योंकि शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और एक ही वीडियो में बहुत होचपोच हो जाता, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियो बने थोड़ी सी क्लियर बने और जो भी मैं समझाऊँ या जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज मैंने अकाउंट्स बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गिग्स, जो आप देख रहे थे ना, जो गिग्स था, GIGS, गिग्स कैसे बनते हैं और वो क्या चीज़ होती है, हमें उसमें कैसे सारी चीज़ें डालनी हैं, अपने डिज़ाइन कैसे डालने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवाइए। जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।